आई एम डॉक्टर अशोक राजपूत, पल्मोनोलॉजिस्ट एट सी के बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी भाग। आज मैं बात करूंगा ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एक दूसरे से फैलता है। इसमें क्या है कि जब कोई पेशेंट जिसको फेफड़े की टीबी है वो खांसी करता है तो उसको ड्रॉपलेट हवा में डिसेमिनेट होते हैं, तो जो भी मीटर के अंदर अंदर सांस ले रहे होते हैं वो उनके अंदर जाने का स्कोप रहता है। इससे क्या है कि बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो अंदर जाके बैठ जाता है और बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको वहीं रोक लेता है। कुछ केसेस में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके ब्लड स्ट्रीम में भी चला जाता है। ये बैक्टीरिया बहुत स्ट्रांग होता है, इसकी थिक फैट की लेयर होती है जिससे आसानी से बाकी बैक्टीरियों की तरह ये मरता नहीं है। इसमें इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल हैं उसको लोकलाइज करने की कोशिश करते हैं एक जगह पर, तो पर ये डोरमेंट कई महीने और साल तक अंदर बैठा रहता है। तो एक प्राइमरी टीबी होती है जब बॉडी के अंदर चला जाता है बैक्टीरिया, लगभग देखा गया है कि 25% पॉपुलेशन के अंदर उसकी एंट्री हो जाती है, पर डिजीज़ करने की क्षमता नहीं होती। डिजीज़ करने की क्षमता तब होती है जब उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जैसे कोई डायबिटीज़ है या किसी को HIV इन्फेक्शन है या कोई स्टेरॉयड ले रहा है या कोई अदर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है जिससे उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है, तब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर सकता है। कई बार हेल्दी लोग डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, उससे भी इम्यूनिटी कम हो जाती है और ये जो डॉर्मेंट बैक्टीरिया है ये मल्टीप्लाई करके डिजीज़ कर सकता है। तो प्राइमरी टीबी क्या होती है कि लंग के अंदर जाके वो बैठ जाता है, उसमें हल्का सा बुखार, थोड़ी सी खांसी या थोड़ी सी कमजोरी, वीकनेस सी लगती है और ये कुछ एक दो महीने तक चलती है और उसके बाद प्राइमरी फोकस बन जाता है, वो डिजीज़ नहीं होती। बट उसके साथ ही अगर 2 या 3 महीने बाद टेस्ट किए जाएँ, जैसे मॉन्टू टेस्ट या क्वांटिफ्रन गोल्ड टेस्ट, तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। उसके पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि उसको डिजीज़ हो गई है, उसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया की एंट्री हो गई है अंदर, मींस इसको हम लेटेंट टीबी कहते हैं। लेटेंट टीबी डिजीज़ नहीं होती बट एंट्री ऑफ बैक्टीरिया हो चुकी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में लेटेंट टीबी का इलाज किया जाता है, हिंदुस्तान में हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ओवर क्राउडिंग इतनी ज़्यादा है कि लेटेंट टीबी का इलाज करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत सारी पॉपुलेशन को, 25% लोगों को टीबी की दवाई देनी पड़ेगी जिसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और थोड़ा मुश्किल भी होता है। और ये भी देखा गया है कि लेटेंट टीबी ज़रूरी नहीं है कि एक्टिव टीबी में कन्वर्ट होए, इसलिए इम्यूनिटी अगर ठीक रहे तो वो टीबी में कन्वर्ट नहीं होती। बट अगर कुछ महीने और कुछ साल के बाद ये लेटेंट टीबी कभी भी जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो ये एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक्टिव टीबी जो है लंग की 90% केसेस लंग में इन्वॉल्वमेंट होती है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो लिम्फ नोड में या बोन्स में, जॉइंट्स में या किडनी, लिवर या ब्रेन में, बाकी ऑर्गन में, कहीं भी बॉडी में जाके बैक्टीरिया जो है वो टीबी कर सकता है। इसके जो सिम्टम होते हैं एक्टिव टीबी के, लंग की टीबी के, उसमें खांसी, बुखार, वज़न कम होना, भूख ना लगना, रात को पसीने आना और कभी थूक में खून आ जाना या चेस्ट पेन होना, ऐसे सिम्टम होते हैं। तो जब भी आपको खांसी बुखार 3 हफ्ते से ज़्यादा होए तो आपको एक्सरे करा लेना चाहिए या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। टीबी की डायग्नोसिस बहुत आसान होती है, लंग की टीबी स्पेशली, कि थूक में टीबी का बैक्टीरिया पाया जाता है। बट बाकी टीबी के लिए हिस्टोपैथोलॉजी, बायोप्सी करनी पड़ती है जिसमें ग्रैनुलोमा, केजिएटिंग ग्रैनुलोमा देखे जाते हैं या टीबी का बैक्टीरिया कल्चर किया जाता है। इलाज के लिए बहुत बेहतरीन दवाइयां हो गई हैं। पुराने ज़माने में इलाज 1.5-2 साल का होता था, आजकल 6 महीने की दवाई से टीबी जो है क्योर हो जाती है और कुछ 1% केसेस में रेजिस्टेंस भी पाया गया है। वो इसलिए होता है कि अगर दवाई ठीक से ना ली जाए, बीच बीच में छोड़ दी जाए या उसकी खुराक एक जैसे सिखाए गए मात्रा में एक बार लेनी होती है वैसे ना ली जाए, तोड़ तोड़ के ली जाए, कम मात्रा में ली जाए, तो रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है। तो रेजिस्टेंस टीबी की जो दवाइयाँ हैं वो महंगी होती हैं और लंबे अरसे के लिए दी जाती हैं और उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द अगर सिम्टम होएं तो टीबी का इलाज कराएं। टीबी क्योरेबल है एंड वी कैन कंट्रोल इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।